वेव्स का सेक्शन हमारा शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहला चैप्टर हमारा जनरल वेव प्रॉपर्टीज का होगा, उसके बाद फिर हम चले जाएंगे लाइट पे, देन वी विल डील विद डेंसेस एंड देन फाइनली द लास्ट विल बी साउंड। जनरल वेव प्रॉपर्टीज की अगर आप बात करें तो हमारे पास वेव को डिफाइन करने के, समझाने के वेव क्या चीज है, तो दो रास्ते होते हैं, टू वेज इन विच यू कैन डू दैट। द फर्स्ट वे टू डिफाइन अ वेव इज एज अ डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम। सबसे पहले एक तरीका है वेव को डिफाइन करने का, लेकिन इसका एक और तरीका है वेव को डिफाइन करने का, वो है इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एनर्जी को एक जगह से दूसरे पहुंचाने, दूसरी जगह तक पहुंचाने तक का रास्ता जो है वो वेव होता है। क्योंकि अगर आप इमेजिन करें आपके हाथ में एक रोप है, ठीक है, और आप उस रोप को एक एंड से होल्ड करें और एकदम से झटका दें, तो आपने अपने हाथ की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो आपने रोप में डाल दी, अब वो रोप के अंदर वो वेव बन गई है। सही, यानी इस मिसाल ऐसी है कि आपने यहाँ से इसको होल्ड किया हुआ था, पहले रोप ऐसे थी, सही, आपने क्या किया उस रोप को आपने एक जर्क दे दी, तो अब क्या होगा कि जो आपने जर्क दिया है इसको, आपने उसकी अपनी एनर्जी, सही, आपने अपनी काइनेटिक एनर्जी उठा के भर दी इस वेव, ठीक है, और सही, ये आपके पास एनर्जी आ गई इस वेव के अंदर, और अब ये वेव आगे ट्रांसफर होते चले, ये एनर्जी आगे की तरफ ट्रांसपोर्ट होती हुई जा रही है। तो एक पॉइंट ये था हमारे पास और एक पॉइंट अगला था, हमने अपनी एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसपोर्ट कर दिया। इसी तरह लाइट, इसी तरह साउंड, जितनी चीजें हैं ये सब वेव्स की फॉर्म में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी को लेके चलते, किसी ना किसी फॉर्म की एनर्जी को लेके चलते। और ये जो डेफिनेशन है ये ज्यादा प्रोफाउंड है, इट इज अ मोड ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। क्योंकि मीडियम की अगर बात की जाए तो स्पेस के अंदर मीडियम नहीं है, लेकिन फिर भी आपके पास जो है वो सोलर रेडिएशन जो है, जो सन से निकलने वाली वेव्स होती हैं, वो आपकी अर्थ तक आती है। तो मसला सारा यही है, इस चीज को कंसीडर करते हुए आपने अपने आंसर को फैब्रिकेट करना होता है कि भाई दिस आंसर इज कंपैरेटिवली अ बेटर वन देन स्टेटिंग कि भाई अ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। अब हम क्लासिफिकेशन करते हैं। वेव्स की क्लासिफिकेशन में हमारे पास सबसे पहले दो कैटेगरीज आती है, एक मैकेनिकल वेव और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत है। वेव्स दैट नीड अ मीडियम travel from one point to another. See, एक ऐसी वैसी waves जिनको एक point से दूसरे point तक travel करने के लिए किसी medium की जरूरत पड़े, उन waves को आप mechanical waves का नाम दे रहे हो। Waves that need a medium to travel from one point to another, वो आपकी mechanical waves। Electromagnetic waves की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम ये कहते हैं कि वेव्स विच डू नॉट नीड अ मीडियम टू ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो मैकेनिकल वेव्स दे कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकते, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स
they can travel in vacuum as well as medium. वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लेंगी वेव्स, और मीडियम के अंदर भी ट्रेवल कर लेंगी, उनके अंदर इस चीज की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती। जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको दूं मैकेनिकल वेव्स की, तो मैकेनिकल वेव्स की एग्जांपल में हमारे पास साउंड आ जाती है, सी वेव्स या वाटर वेव्स कह लो, सही है, वेव इन अ रोप और स्प्रिंग, साइज़मिक वेव जो अर्थक्वेक में होती है ना, साइज़मिक वेव्स कहलाती है, जलजले वाली वेव्स, सही। ये तमाम वेव्स आपके पास मैकेनिकल वेव्स, इनको मीडियम चाहिए होता है, मीडियम के बगैर ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाती, सही, वैक्यूम के अंदर साउंड ट्रेवल नहीं करता। मुर्तजा ये बाय द एंड ऑफ दिस वीक इंशाल्लाह आप लोगों को इसकी बुक मिल जाएंगी, हो सकता है कि मैं ये है आप लोगों को कल या परसों ही ये वाली बुक जो है वो मैं प्रोवाइड करवा दूँ, परसों तक इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा प्रोवाइड करवा दूँ। हाँ, एयर की भी ज़रूरत पड़ सकती है, एयर एयर ना भी हो तो कोई मीडियम हो, सही है, लिक्विड हो, कोई आपके पास सॉलिड हो, कुछ भी हो, लेकिन मीडियम होना चाहिए, मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, बगैर मॉलिक्यूल के मैकेनिकल वेव ट्रैवल नहीं कर पाते। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जांपल देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जांपल में आपके पास पूरा एक स्पेक्ट्रम आता है, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। ये सेवन वेव्स हैं, इनका कॉम्बिनेशन, इनका क्लस्टर स्पेक्ट्रम कहलाता है। नहीं तो ये सात वेव्स मिलके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनको मीडियम की जरूरत नहीं है, मीडियम हो ना हो ये एनर्जी ट्रांसपोर्ट कर देती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, क्योंकि ये मॉलिक्यूल का सहारा नहीं लेती एनर्जी ट्रांसफर करने, सही, दे डू नॉट यूज अ मॉलिक्यूल टू ट्रांसपोर्ट एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, दे एमिट देयर ओन पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दे एमिट देयर ओन पार्टिकल्स ऑफ एनर्जी, अपने पार्टिकल्स निकालते हैं, लाइट एनर्जी के अपने पार्टिकल्स निकालती है, गामा रेज एनर्जी के अपने पार्टिकल्स निकालते हैं, उन पार्टिकल्स का नाम होता है क्वांटा, सही, उन पार्टिकल्स को बोला जाता है क्वांटा, और अगर कॉमन टर्म्स में पढ़ा जाए तो लाइट के इस पार्टिकल को बोला जाता है फोटोन, लाइट अपने एनर्जी के पार्टिकल्स खुद एक जगह से दूसरी जगह भेजते, उसको किसी एटम की जरूरत नहीं है कि वो एनर्जी किसी एटम को दे, वो एटम अगले बराबर वाले एटम को दे, वो एटम अगले बराबर वाले एटम को दे, और इस तरह से एनर्जी जाए, जैसे कि कंडक्शन में हुआ करता था, कंडक्शन में यही तो होता था कि भाई एनर्जी एक एटम से दूसरे एटम तक जाती है, यहाँ पे ये सिलसिला नहीं है। बेटा सन की रेडिएशन लाइट बोल तो दी मैंने अभी, आप लाइट सन से ही आ रही होती है ना हमारे पास, तो बिल्कुल आप कह सकते हो कि जो सोलर रेडिएशन है आपकी वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एग्जांपल। देखो डिस्टर्बेंस इन मीडियम इसलिए अजीब सी है कि आप मिसाल के तौर पर आपके पास वाटर मौजूद है, सही, आपका मीडियम, अब जैसे उसके अंदर कोई चीज फेंकेंगे, अपना हाथ स्प्लैश करेंगे, तो आपने उस वाटर के अंदर एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दी, रिपल क्रिएट कर, वो रिपल एक डिस्टर्बेंस है जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक फैलती भी जा रही है। साउंड की एग्जाम्पल ले लो, साउंड डिस्टर्बेंस कैसे है, मैं बात कर रहा हूँ मेरे आस पास के माउथ की जो एयर है वो एयर मॉलिक्यूल्स अब मेरे वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं और उस वाइब्रेशन की एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं। इसी तरह अगर एक मेटल है, मैं उस मेटल को जोर से हिट करूं, तो क्या होगा कि उस मेटल की वाइब्रेशन जो है ये वो मेटल वाइब्रेट करना शुरू कर देगा और एक अपनी एनर्जी को जो उसके अंदर थी उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर देगा। तो ये तमाम तरीके जो हैं ये असल में डिस्टर्बेंस इन मीडियम की मिसाल बन जाती है। लेकिन ये डेफिनेशन इतनी अच्छी इसलिए नहीं है
क्योंकि ये डेफिनेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे सही नहीं बैठती, क्योंकि उनमें तो मीडियम होता ही नहीं है, वो तो वैक्यूम में भी हो जाते हैं। तो बंदा बोलेगा भाई ये वैक्यूम के अंदर तो मीडियम नहीं है, उसका क्या करेंगे। हालांकि एक जमाना था जब ये समझा जाता था कि आपके स्पेस में भी एक मीडियम है, स्पेस प्योर वैक्यूम नहीं है, वो समझते थे स्पेस के अंदर भी एक मीडियम है और उस मीडियम को वो नाम दे देते ईथर। लेकिन अब तक इस मीडियम की एग्जिस्टेंस की कोई कैलकुलेशन या कोई प्रूफ सामने नहीं आया, लिहाजा आप इस कंडीशन को या इस अजम्पशन को कंसीडर नहीं करते, आप रिडंडेंट कह देते, तो कुछ नहीं, ईथर वीथर नाम की कोई चीज़ नहीं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। दूसरी कैटेगराइजेशन जो हमारे पास होती है वेव्स की, वो होती है ट्रांसवर्स वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल। अच्छा, अब ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल को आप किस तरह से समझते हैं ये अब जरा हम देख लेते हैं। देखिए, ट्रांसवर्स वेव को अगर मैं डिफाइन करूं तो ये वो वेव्स होती हैं, वेव्स इन विच direction of vibration, किस चीज की वाइब्रेशन, सोर्स या पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, इज परपेंडिक्युलर the direction of wave motion. Waves in which the direction of vibration of your source or your particles is perpendicular to the direction of wave motion. जुमले का मतलब क्या है? जुमले का मतलब समझते हैं। इस जुमले का मतलब ये है कि देखिए, अगर आपके पास एक ये सरफेस ऑफ वाटर थी, वाटर की सरफेस, मैंने यहाँ पे एक बॉल पड़ी हुई थी, फुटबॉल थी, मैंने उसे प्रेस करके रिलीज कर दिया था, वो फुटबॉल इस तरह से उस जगह पे ऑसिलेट होना शुरू हो गई ऊपर नीचे, सही है, मैंने फुटबॉल फेंक दी वहाँ पे। जैसे ही मैं उस जगह पे फुटबॉल फेंकूंगा तो फुटबॉल की जो वाइब्रेशन है वो अप एंड डाउन है, और जो वेव बनी है वो भी ऐसी बनेगी, सही। तो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन अगर आप देखें तो वो वर्टिकल है, ये डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है, ये अलॉन्ग वाई एक्सिस है, और डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ये है डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी या जो वेव मूव कर रही है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है, लहर आगे की तरफ जाती है। जब भी पानी में वाटर में वेव बनती है तो वो हमेशा आगे की तरफ निकलती है, जहां वेव बनी होती है उससे दूर हटना शुरू हो जाता है। डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, या डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन, कि वेव जहां ट्रेवल करती हुई जा रही है, एनर्जी का ट्रांसफर है, जो वेव की मूवमेंट है वो आपकी वाइब्रेशन की डायरेक्शन से 90 डिग्री के एंगल, वाइब्रेशन अगर ऐसे है तो वेव ऐसे जा रही है 90 डिग्री का एंगल, इसे आप वेव मोशन बोलें, ये वेव मूव कर रहे हैं, या आप इसे एनर्जी ट्रांसफर बोलें, आप दोनों बातें बोल सकते। अच्छा, मैंने बताया डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन जो है, जो आपकी सोर्स है जो वाइब्रेट कर रही है, जो ऑसिलेट कर रही है, उसकी डायरेक्शन आपके वेव मोशन के परपेंडिकुलर होती है। मतलब वेव जो है, जब आप डायरेक्ट वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, एक रिपल जनरेट करते हैं, तो रिपल जो है आपका जो सोर्स है जो उस रिपल को जनरेट कर रहा है वो अप एंड डाउन मूव कर रहा होगा, इट विल बी मूविंग वर्टिकल, सही। लेकिन जो वेव की मूवमेंट है, जो वेव एनर्जी फैला रही है, जो उसकी ट्रैवलिंग है, वो आपकी वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर है। अगर आप वाई एक्सिस में मूव कर रहे हैं तो वो उसके परपेंडिकुलर मूव कर रही होती। अरे तो क्या,
यही तो डेफिनेशन है, पहचान है इस ट्रांसवर्स वेव की, कि जो ही ट्रांसवर्स वेव्स होंगी उन सब में डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एक दूसरे से 90 डिग्री पे होगा। ऐसी वेव्स को ट्रांसफर कहा, ट्रांसवर्स कहा जाता है। तो ये चीज यहां पे आपके पास एक वेव जो है वो ऊपर बनी हुई भी नजर आ रही है आपको ट्रांसवर्स वेव के लिए। ट्रांसवर्स वेव में आपको दो चीजें जनरली मिलती हैं, उसके हाइस और उसके लोज। ट्रांसवर्स वेव में जो हाई पॉइंट्स होते हैं उनको क्रेस्ट बोला जाता है, जैसे ये रहा, और जो लो पॉइंट्स होते हैं उनको ट्रफ बोला जाता है। तो हाई पॉइंट्स आर कॉल्ड क्रेस्ट्स, यही कह लो कि इट कंप्राइजेज ऑफ क्रेस्ट्स, ये हाइज हैं, एंड ट्रफ्स ये लोज हैं। ये वेव ऊपर भी जाती है और नीचे भी आती है। जैसे आप वाटर वेव को देखो, उसकी हाइट्स और उसकी डेप्थ्स दोनों एग्जिस्ट करती हैं। या किसी भी रोप के अंदर वेव को देखो, जो रोप वाली वेव है वो भी ट्रांसफर्स की कैटेगरी में आती है। जो रोप वाली वेव्स हैं वो भी ट्रांसफर्स की कैटेगरीज के अंदर आती है आपके पास, क्योंकि आप अपने हाथ को ऊपर और नीचे मूव करते हो वेव बनाने के लिए। लेकिन जो आपकी वेव बनती है वो आपके हाथ से स्ट्रेट आगे की तरफ जाती है, जहां वेव होती है वो उस डायरेक्शन में मूव करते भी जाती है। तो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ये एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं, ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको ये नजर भी आ रहा है कि डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर को मैंने आपकी आवाज बीच में लैग हो रही थी, आवाज नहीं आई सर। बेटा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, इंटरनेट का इशू हुआ होगा। हमारे पास जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है वो डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर से 90 डिग्री पे, यहाँ पे मैंने बना के भी दिखाया हुआ है, जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन वर्टिकल, एनर्जी का ट्रांसफर हॉरिजॉन्टल, और दोनों के दरमियान में जो एंगल है वो 90 डिग्री। ट्रांसफर्स वेव की एग्जाम्पल्स क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी वेव्स ऐसी हैं जो ट्रांसफर्स होती हैं, अगर हम उसको नाम देना चाहें तो भाई ट्रांसफर वेव की एग्जाम्पल में आपका पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, साथ की साथ वेव्स, सही है, ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वो साथ की साथ वेव ट्रांसफर्स हैं। लाइट हो गई, उसमें गामा रेज, एक्स रेज, जितने नाम मैंने लिखे थे, दे आर ऑल ट्रांसफर्स। इसके अलावा ट्रांसफर्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अलावा जो आपकी वाटर वेव्स होती हैं, सही, वो ट्रांसफर्स होती हैं। जो वेव रोप में बनती है वो ट्रांसफर्स बनती है। सब वेव्स ट्रांसफर्स होती हैं क्योंकि इनमें वाइब्रेशन की डायरेक्शन और एनर्जी के ट्रांसफर की डायरेक्शन एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर होती है। अगले एंड पे हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में इसका बरक्स होता है, इसमें 90 डिग्री नहीं होता, इसमें पैरेलल होता है। ट्रांसफर्स में वाइब्रेशन और एनर्जी ट्रांसफर 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर थे, इसमें पैरेलल होता है। पैरेलल इन द सेंस ऐसे होते हैं कि जिस डायरेक्शन में आपकी सोर्स ऑसिलेट करती है उसी डायरेक्शन में एनर्जी भी ट्रांसफर होती है। मैं मिसाल देता हूँ, वूफर देखें, वूफर का डायाफ्राम, या घरों में अगर साउंड सिस्टम हो तो उसके वूफर के ऊपर जो उसका एयर कॉलम होता है, वहां एक हल्का सा जालीदार दुपट्टा डाल दो, हल्का दुपट्टा डाल दो, या अगर वो नहीं तो जो वूफर का डायाफ्राम है उसी को जनरल देख लो। आप देखोगे वूफर का डायाफ्राम अगर आप ऑब्जर्व करें, मतलब ऐसे मूव करता है, या अगर वूफर का डायफ्राम है ऐसे आगे पीछे हट रहा होता है, बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट करता है, या अगर आपने उसके एयर कॉलम पे दुपट्टा डाला हुआ है हल्का सा या कपड़ा डाला हुआ है, तो आप देखते हो जो क्लॉथ है वो बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट कर रहा है। ये चीज, ये वाइब्रेशन है आपके
साउंड सिस्टम की, ये सोर्स है जो वेव बनाने का काम कर रही है, जो साउंड प्रोड्यूस करने का काम कर रही है, इसकी वाइब्रेशन ये है। और जो साउंड वेव बनती है वो भी ऐसी ट्रेवल होती है, साउंड एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो भी ऐसा ही है। तो वाइब्रेशन भी बैक एंड फोर्थ है, मतलब एक्स एक्सिस में, एनर्जी का ट्रांसफर भी एक्स एक्सिस के अंदर ही है। तो ऐसी वेव्स जिनमें डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन और डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एक दूसरे के पैरेलल हो, वो वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाती है। और उसकी एक ही एग्जांपल है और वो है साउंड। साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल। तो यहाँ पे अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव को डिफाइन करें तो हम ये कहते हैं कि भाई वेव्स in which direction of vibration is parallel to the direction of energy transfer. सही, या वाइब्रेशन आपकी सोर्स की भी हो सकती है और मॉलिक्यूल्स की भी हो सकती है, मतलब मीडियम के मॉलिक्यूल्स की भी बात कर सकते हैं। मैं मेरे बच्चे हौसला रखो, थोड़ा सा हौसला रखो, मुझे पता है कि इस चीज को समझने में टाइम लगता है, मेरे पास कुछ और कंटेंट भी है जिसके थ्रू मैं ये बात समझाऊंगा, परेशान नहीं हो इस चीज पर। अब यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव नजर कैसे आती है ये मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, उसकी ट्रैवलिंग को इमेजिन करो। जो हाँ मेरे बच्चे 2 मिनट रुक जाओ, मैं असल में वेबसाइट ऑन कर रहा हूँ, इस वजह से आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही। आपके सामने यहाँ पे एक स्क्रीन आ रही होगी, ठीक है, जो वेव्स के लिहाज से आपको दिख रही है। ये मैंने सर्च किया हुआ है ट्रांसवर्स वेव का मामला, ये चीज है ट्रांसवर्स वेव। अगर मैं इसको ऑन करता हूं तो आप इसकी मूवमेंट को देख सकते हैं। तो थोड़ा सा रिड्यूस कर दूं साइज में तो उसको आपको पूरा मूवमेंट नजर आ रही होगी, किस तरह से आपके पास जो वेव है वो ट्रेवल करती हुई जा रही है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ज़ूम कर दूं थोड़ा, ठीक, दिस इज योर ट्रांसवर्स वेव। और आप ये क्या देख सकते हैं कि भाई जो सोर्स है, बिल्कुल स्टार्ट वाला पॉइंट अगर आप देखो तो जो बिल्कुल स्टार्ट वाला पॉइंट इज मूविंग अप एंड डाउन, सही, तो ये सोर्स है, इसकी वाइब्रेशन की डायरेक्शन देखो इट्स वर्टिकल, लेकिन जो वेव बन रही है और आगे की तरफ ट्रेवल करते हुए जा रही है उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन हॉरिजॉन्टल। और दूसरी बात मैंने बोली थी कि सोर्स के अलावा उस मीडियम का हर एक मॉलिक्यूल परपेंडिकुलर मूव कर रहा हो या सोर्स को कॉपी करता है, वो जैसे सोर्स मूव करती है उसी तरह से वो भी मूव कर रहा होता है। तो यहाँ पे आपकी जो सोर्स है वो वर्टिकल मूव कर रही है, आप देख सकते हो जो रेड वाला पॉइंट यहाँ पे मार्क हुआ हुआ है वो रेड वाला पॉइंट भी ऊपर और नीचे मूव कर रहा है, इट्स मूविंग एज एग्जैक्टली एज द सोर्स। ये ट्रांसवर्स वेव की एग्जाम्पल है। और मेरे जुमले का मतलब कि डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर या वेव मोशन,
और डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन में मैंने ब्रैकेट में लिखा था सोर्स और पार्टिकल्स। तो पार्टिकल से मुराद मेरे पास ये जो बीड्स हैं यहाँ पे इस रोप के अंदर जो आपको दिख रहे हैं, ये जो रेड वाला पॉइंट है, ये इट्स मूविंग अप एंड डाउन। और इसी तरह से अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल देखूं, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव बनाई हुई है। अब देखो ये कैसे मूव कर रही है, थोड़ा सा क्लियर और हो जाएगा तुम। ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसमें जो रॉड आप देख रहे हो ग्रे वाली, वो बैक एंड फोर्थ मूव कर रही है, अप एंड डाउन मूव नहीं कर रही, लेकिन जो एनर्जी का ट्रांसफर है उसके परपेंडिकुलर, उसके पैरेलल है, मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो मूवमेंट की डायरेक्शन और एनर्जी ट्रांसफर या वेव मोशन दोनों एक्स एक्सिस पे, ऐसी वेव को आप लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। अब ठीक है, समझ में आया, इमेजिन कर सके हो ट्रांसफर से लॉन्गिट्यूडनल को। इन दोनों में एनर्जी ट्रांसफर वेव के आगे बढ़ने से शो हो रहा है, जो वेव मोशन है, जो एक वेव का पोर्शन है अगर उसको ऑब्जर्व करो, वो आपको आगे की तरफ जाता हुआ नजर आता है, ये एनर्जी का ट्रांसफर इसके अंदर भी और यहां पे। अगर किसी एक पीक को देखो तो वो पीक आगे की तरफ ट्रांसलेट होती चली जा रही है। ठीक है जनाब, और किसी का अगर कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो पूछ ले आप लोग। इसमें मैं एम्पलीट्यूड को चेंज कर रहा हूँ, कम ज्यादा कर रहा हूँ। तो एम्पलीट्यूड जो होता है ना, वो असल में वेव की हाइट बताता है कि भाई वेव कितनी ऊंची बन रही है, कितनी नीचे बन रही है, चीज को आप एम्पलीट्यूड से पहचानते हो। लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर भी एम्पलीट्यूड ऐसे दिखता है कि जो क्लोज वाले रीजन से वो कितने क्लोज है। अगर मैं एम्पलीट्यूड बढ़ा दूं तो आप देखो जो क्लोज वाले रीजन से वो बहुत क्लोज आ चुके हैं, उनको आप अल्फाजों में जो बोलते हो ना लॉन्गिट्यूडनल वेव में, उनको आप नाम देते हो कंप्रेशन। ये जो पार्टिकल्स लाइनें नजदीक नजदीक बनी हुई है ना, नजदीक नजदीक आ रही हैं, ये कंप्रेशन कहलाता है, कंप्रेस हो गए मॉलिक्यूल्स, नजदीक आ गए एक दूसरे से। और जो दूर दूर के हिस्से हैं वो रेयर फ्रैक्शन कहलाते हैं, मॉलिक्यूल्स दूर हो जाते हैं वहां। ठीक है जनाब, कोई मसला तो नहीं है यहाँ पे, मसला नहीं है। सॉरी यार, यार आपको चले भाई, अब जरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे देते हैं इसकी कि भाई लॉन्गिट्यूडनल वेव में मैंने आपको डिफाइन तो कर दिया था, waves in which the direction of vibration is parallel to the direction of energy transfer, or it comprises of compressions and rarefaction. See, asal mein compression aur rarefaction jo hota hai na, ye pressure zones hote hain। कंप्रेशन और एयर फ्रैक्शन जो होता है ना, वो प्रेशर जोन होता है। मैं लिख देता हूं, कंप्रेशन एक हाई प्रेशर जोन, सही, मॉलिक्यूल्स क्लोज होते हैं वहां पर, और जो रेयर फ्रैक्शन है वो लो प्रेशर जोन है।
मॉलिक्यूल्स फार होते हैं एक दूसरे से, सही? तो कंप्रेशंस और रेयर फैक्शंस आर बेसिकली प्रेशर रीजन. कभी एक इको चेंबर या जो बुरे बुरे आपके SP4 सिस्टम्स होते हैं, सही है, उनके सामने अगर खड़े हो जाओ तो आपको पूरा पूरा पल्स फील होता है बाकायदा. या अगर किसी बंदे की गाड़ी में कोई अच्छे बड़े बेस वाले वूफर्स लगे हुए और वो अपने बेस गाड़ी का ऑन कर दे तो आपको बाकायदा फील होता है, समथिंग इज पासिंग थ्रू यू, सम वेव्स आर पासिंग थ्रू यू, आपको बाकायदा फील हो रहा होगा. ये चीज है. इसकी एग्जाम्पल के अंदर अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल के लिहाज से लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर सिर्फ आपके पास एक साउंड है, बस. साउंड इज एन ओनली एग्जाम्पल फॉर योर लॉन्गिट्यूडनल वेव. क्या मतलब हाउ दीज वर्क? मशीन थोड़ी है. असल में ये बनते इस तरह से मेरे बच्चे, अच्छा ये पूछ रहे हो, ये बनते इस तरह से हैं कि जब आपका ये जो सोर्स होता है वाइब्रेटिंग सोर्स, ये आगे की तरफ मूव करता है ना, तो वो तमाम मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के नजदीक कर देता है, कंप्रेस करना शुरू कर देता है. नहीं मतलब अगर मैं तुम्हें वो एनिमेशन आप लोगों को दोबारा दिखाऊं, तो इन एनिमेशंस में आपको अंदाजा होगा कि जैसे ये बार आगे जा रहा है ना, तो ये कंप्रेशन जनरेट करता है, ये मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे की नजदीक जो है वो जमा कर देता है, और फिर वो जो क्लस्टर होता है ना, वो कंप्रेशन की फॉर्म में आगे की तरफ जाता चला जाता है, और जब वो पीछे हटता है तो रेयरफैक्शन बना देता है वहां. इस तरह से फॉरवर्ड और बैकवर्ड की मूवमेंट जो है वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बना देता है. ठीक है आसान साहब, अब हम जरा कैरेक्टराइज करेंगे कि भाई जब वेव के ऊपर हम बात करते हैं तो उसकी कौन कौन सी फीचर्स हैं जो हमें वेव की स्टडी करने पर, और उसकी स्टडी करने के लिए, उसकी कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करते हैं. देखो हमारे पास कुछ फीचर्स हैं, थोड़े बहुत फीचर्स ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल में सेम होते हैं, चंद एक होते हैं जो डिफरेंट हो जाते हैं. लेकिन हम वेव्स को ग्राफिकली दो तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ और एक डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो शायद आप लोगों ने कभी पढ़ा हो, वो वेलोसिटी वगैरह के लिहाज से काइनेमेटिक्स में होता है. डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होता है ये भी हम देखिए. सबसे पहला ग्राफ जो मैंने यहाँ बना के आपको दिखाया है वो है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ. ये जो ग्राफ है ना, दिस ग्राफ इज अ कंप्लीट क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ योर वेव. अगर ये ट्रांसवर्स वेव है ना, तो ये आपके ट्रांसवर्स वेव का प्योर क्रॉस सेक्शनल व्यू है. मतलब एक पूल के अंदर वेव बन रही है, आप पूल के बाहर साइड में खड़े हुए हैं और उस वेव को देख रहे हैं, और आप उसकी एक तस्वीर खींच लेते हैं, तो ये वो तस्वीर है कि अगर आप यहाँ पे पूल पे खड़े हैं, मिसाल के तौर पर ये स्विमिंग पूल है एक, एंड यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर, ठीक है, और ये वेव यहाँ पे बनती भी जा रही है सही पूल के अंदर, और आप इसका स्नैप ले लेते हैं यहाँ से देख के, सही, यहाँ से देख के आपने इसका स्नैप ले लिया, तस्वीर ले ली. तो ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ मेरे बच्चे वो तस्वीर है उसमें, अगर आप ट्रांसवर्स की बात करते हैं. लेकिन अगर आप लॉन्गिट्यूडनल की बात करते हैं तो हम एक कन्वर्जन फैक्टर यूज करते हैं, क्योंकि ग्राफ में ना वो कंप्रेशन रिफ्रैक्शन शो नहीं हो सकता, तो हम एक कन्वर्जन फैक्टर यूज करते हैं. और हमारा कन्वर्जन ये होता है कि हम कंप्रेशन को क्रेस्ट से शो कर देते हैं ग्राफ में, और रेयर फैक्शन को ट्रफ से शो कर देते हैं. ये हमारे पास एक तरीका होता है रिप्रेजेंटेशन करने का, यार कंप्रेशन को क्रेस्ट से शो कर दो, रेयर फैक्शन को ट्रफ से शो कर दो. क्योंकि खुद देखो ना, अभी जो मैंने आपको वेव्स दिखाई थी लॉन्गिट्यूडनल, उनको ग्राफ पे कैसे बनाएंगे, बन नहीं सकती ना वो ग्राफ पे. तो हमें एक कन्वर्जन यूज करनी पड़ेगी, यार ग्राफ पे दिखाने के लिए एक काम कर लो, कंप्रेशन को क्रेस्ट से दिखा देंगे, रेयर फैक्शन को ट्रफ से दिखा देंगे. तो यही वेव है, ट्रांसवर्स भी यही रिप्रेजेंट करती है, लॉन्गिट्यूडनल भी यही रिप्रेजेंट.
लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ जो होता है इट्स अ क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ योर वेव. सही, एक इंस्टेंट के ऊपर आपने एक तस्वीर खींच ली उसकी किसी वक्त, आप ये बता सकते हैं कि भाई उस पूल के अंदर फला डिस्टेंस के ऊपर क्रस्ट था या फला डिस्टेंस के ऊपर ट्रफ था या फला पॉइंट जो था वो मीन पर मौजूद मतलब लेवल पे था. तो आप लोकेशन वाइज पॉइंट आउट कर सकते हो इस ग्राफ के कि कहाँ पे क्या चीज मौजूद है, आप लोकेशन वाइज पॉइंट आउट कर सकते हो. और इस ग्राफ के अलावा जो दूसरा ग्राफ होता है वो है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. देखने में ये दोनों ग्राफ एक जैसे हैं बिल्कुल, लेकिन फर्क एक एक्सिस का बहुत बड़ा होता है. ये ग्राफ आपको शक्ल नहीं बताता वेव, ये ग्राफ आपको बताता है कि आपकी जो सोर्स है जो वाइब्रेट कर रही है या वेव में मीडियम में कोई पार्टिकल जो है जो वाइब्रेट कर रहा है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे मूव कर रहा है, किस वक्त वो टॉप पे था किस वक्त वो बॉटम पे था. ये ग्राफ इस चीज का होता है. मतलब ये कि अगर यहाँ पे बीच में कहीं कोई फुटबॉल पड़ी हुई होती, सही है, ये फुटबॉल पानी में बीच में पड़ी हुई है और यहाँ से कंटिन्यूसली वेव बने जा रही है, सही, हमने एक आर्टिफिशियल वेव जनरेटर लगाया हुआ है जैसे आपके वाटर पार्क वगैरह में होता है, आर्टिफिशियल वेव जनरेटर होता है, कंटिन्यूसली वेव्स बन रही हैं यहाँ पे, सही. तो ये जो फुटबॉल है ये अपनी जगह पे ऊपर नीचे मूव कर रही होगी. जो दूसरा ग्राफ है वो इस फुटबॉल की मूवमेंट मुझे वक्त के हिसाब से बता, क्योंकि देखो एक चीज अपने जहन में घर कर लो और वो ये है कि पार्टिकल्स आर नॉट कैरीड अलोंग विद द वेव. जब वेव या जब लहर आगे जाती है तो पार्टिकल्स को अपने साथ लेके नहीं जाते, पार्टिकल्स अपनी ही जगह पे ऑसिलेट करते हैं, सिर्फ एनर्जी होती है जो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ट्रांसफर होते हुए आगे जाते. वो जो क्लस्टर आपको मूव करता हुआ नजर आ रहा था ना, वो क्लस्टर ये नहीं था कि मॉलिक्यूल्स उस जगह से निकले और मॉलिक्यूल्स आगे चले गए, नहीं, मैं अगर बात कर रहा हूँ तो मेरे मुंह के पास के एयर मॉलिक्यूल्स निकल के अगले बंदे तक नहीं जाते एनर्जी लेके. जब मैं बात कर रहा होता हूँ तो मेरे माउथ के नजदीक के जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेशन करते हैं, अपनी वाइब्रेशन आगे वाले मॉलिक्यूल्स को दे देते हैं और खुद रिलैक्स हो जाते हैं. वो आगे वाले मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करके अपने आगे वाले मॉलिक्यूल्स को एनर्जी दे देते हैं और वो रिलैक्स हो जाते हैं. इस तरह एनर्जी ट्रांसफर होती है, मॉलिक्यूल अपनी जगह से हट के दूसरी जगह नहीं जाते. और अगर इसी बात में वो एनिमेशन दोबारा दिखाऊं आपको तो आप एक बात गौर कीजिएगा, यहाँ पे जो लाइन है जो रेड वाली लाइन है वो देखो वो अपनी ही जगह पे बस आगे पीछे हो रही है, वो आगे नहीं जा रही ट्रेवल करते है, वो अपनी ही जगह पे बैक एंड फोर्थ ऑसिलेट कर रही है. और यही अगर मैं ट्रांसफर्स में दिखाऊं तो वो जो डॉट था वो अपनी ही जगह पे ऊपर नीचे हो रहा है. हमें लग तो ऐसा रहा जैसे वेव आगे जा रही है ट्रेवल करते हुए, लेकिन वो पॉइंट जो है पॉइंट आगे ट्रेवल नहीं कर रहा, पॉइंट अपनी ही जगह पे अप एंड डाउन नहीं कर रहा. अदर वेव्स कौन सी, ये डिस्टर्बेंस है मेरे बच्चे, ये सिर्फ एनर्जी थी जो क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में आगे ट्रांसलेट कर रही है. ये मॉलिक्यूल आगे नहीं जाता, मॉलिक्यूल तो बस कोलिजन करके एनर्जी आगे दे देता है, दैट्स इट. ब्लू डॉट्स भी आगे नहीं जा रहे, ब्लू डॉट्स भी अपनी जगह पे रुके हुए, गौर कर लो कोई भी ब्लू डॉट होगा अपनी जगह पे ऊपर नीचे हो रहा है बस. ब्लू डॉट कहाँ से आगे जा रहा है, बस वो एक डिस्टर्बेंस थी जो आगे प्रोपगेट कर रही. प्रोपगेट करने का मतलब होता है आगे की तरफ ट्रेवल कर रही. तो ये चीज आप देख सकते हो, ये याद रखना, ड्यूरिंग वेव मोशन पार्टिकल्स आर नॉट कैरीड अवे विद द वेव, वेव के साथ कैरी होके नहीं जाते पार्टिकल, दे नॉट कैरीड अलोंग विद द वेव, दे जस्ट वाइब्रेट अबाउट द मीन पोजिशन, अपनी मीन पोजिशन वाइब्रेट करते हैं. बात मैं लिख देता हूं, बोल्ड करके लिखना चाहिए.
मैं लिख देता हूँ यहाँ पे पहले, उसके बाद समझाऊंगा अगली बार। Just vibrate about them. तो ये नीचे वाला जो ग्राफ है उसके बारे में मैं लिख देता हूँ जनाब। ये ग्राफ tells the position of a point on a wave. Yes, source of the wave. With respect to time ke respect se aapko is cheez ki movement bata rahe hain. Theek hai janab, in dono graphs mein fark samajh mein aaya? सर इस ग्राफ के अंदर सर ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल वेव सर किस तरह रिप्रेजेंट? मैंने बताया तो है लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए हम कंप्रेशन को क्रेस्ट समझ देते हैं और रेयर फैक्शन को ट्रफ बना देते हैं। मतलब अभी अगर मैं इसको देखूं तो ये ऐसा है कि भाई ये कंप्रेशन हो गया और ये रेयर फैक्शन हो गया। यहाँ कंप्रेशन होगा, ये रिफ्रैक्शन हो जाएगा। ये करते हैं, जहां कंप्रेशन होता है उस जगह क्रेस्ट बनाते थे, जहां रिफ्रैक्शन होता है उस जगह ट्रफ, ताकि रिप्रेजेंटेशन हमारे लिए आसान। तो ये तो हमारे पास यहाँ पे ग्राफ्स के अंदर बात हो गई। अब इस ग्राफ से क्या चीज कैसे पता चलती है ये देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम बात करेंगे एम्पलीट्यूड की। एम्पलीट्यूड इज बेसिकली डिफाइंड एज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट ऑन अ वेव फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। एम्पलीट्यूड इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम displacement of a point on a wave from its mean position. जबकि जो displacement होती है ना, खाली displacement जो होती है खाली displacement में आप ये कहते हो कि इट इज द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द वेव एट एनी टाइम from the mean position. ठीक है, ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। अगर मैं ग्राफ में दिखाऊं तो ग्राफ में जो y एक्सिस है, अगर मैं मिसाल के तौर पर इस पॉइंट d के बारे में बोलूं, मुझे पॉइंट d का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो पॉइंट d का डिस्प्लेसमेंट ये है, यहां से कितना ऊपर, ये पॉइंट d का डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ d। इसी तरह अगर मैं बोलूं मुझे सी का डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो
तो ये सी का डिस्प्लेसमेंट कि मीन पोजीशन से कितना नीचे, तो डी का डिस्प्लेसमेंट मिसाल के तौर पे हो सकता है भाई 5+ में क्योंकि वो मीन पोजीशन से ऊपर है। सी का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा -3, ठीक है। तो ये चीज आपके पास, ठीक है भाई। कोई क्वेरी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बताने में? अगर डिस्प्लेसमेंट की बात ना समझ में आई हो तो लॉन्गिट्यूडनल में भी डिस्प्लेसमेंट इसी तरह से होता है कि जो मीन पोजीशन होती है उससे पार्टिकल कितना आगे गया है या कितना पीछे गया है, ठीक। वहां पे भी डिस्प्लेसमेंट इसी तरह से होती है, बस वहां पे थोड़ा सा मेजर करना जो है ना इस चीज को मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ इसको, अगर मुझे थोड़ा सा आसान हो जाए, जैसे ये इसको मैं रोकता हूँ, अभी पॉज कर, तो लेट्स से कि अभी मेरे पास मैं एग्जांपल ले लेता हूँ ना, जैसे मैं बोलता हूँ मेरे पास जो ये वेव थी उसकी इनिशियल पोजीशन कुछ ऐसी थी, ये पार्टिकल जो था ये यहाँ था, ये इसका स्टार्ट था, ये इनिशियल पोजीशन। अब जैसी वेव स्टार्ट होगी ये अपने मीन पोजीशन से बैकवर्ड और फॉरवर्ड मूव कर रहा है, मुझे थोड़ा सा और इसको आगे बनाना चाहिए, ये मैं समझिए कहाँ बनाता हूँ, उसके बाद तुम लोगों को ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। ये समझ लो मीन पोजीशन है इसकी, सही। तो ये अभी अपनी मीन पोजीशन जितना आगे है ये इसकी डिस्प्लेसमेंट, और ये एक्सट्रीमली जितना पीछे जाएगा, एक्सट्रीमली जितना पीछे जाएगा कि आखिरी लिमिट जहां तक वो पहुंच रहा है वो कहलाता है एम्पलीट्यूड। आखिरी लिमिट वो कितना पीछे जा रहा है उस चीज का एम्पलीट्यूड का नाम है, और ये आप देख भी सकते हो। यहाँ स्टार्ट करूं, ये देखो द लास्ट पॉइंट दैट इट रीचेस दैट इज द एम्पलीट्यूड, और अगर मैं एम्पलीट्यूड कम करना शुरू कर दूं तो देखो वो वहां तक नहीं पहुंचेगा जहां तक पहले पहुंचा, एक्सट्रीम्स तक अब वो अप्रोच नहीं कर पा रहा, मैंने उसके एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम कर दिया। बिल्कुल, एक क्रेस्ट होता है एक ट्रफ होता है, फर्स्ट पॉइंट को तुम क्रेस्ट बोल सकते हो, लास्ट पॉइंट को तुम ट्रफ बोल सकते हो। सही है, क्लियर है? एम्पलीट्यूड अगर मैं मार्क करूँ ना यहाँ पे, एम्पलीट्यूड ये रहा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के, मिसाल के तौर +8 -8, ये एम्पलीट्यूड है, ठीक। के जितना ऊपर जाएगा वेव ये पॉइंट उतना ही नीचे आएगा, एम्पलीट्यूड इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ पे मार्क करके भी दिखाया गया, ये चीज कहलाती है एम्पलीट्यूड। सही, ये आपके पास है एम्पलीट्यूड। अब वो थोड़ा सा छोटा बड़ा लग रहा है वो ड्राइंग की वजह से है, लेकिन रियलिटी में मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स की वैल्यू सेम होती है, कोई एक कम या कोई एक ज्यादा नहीं होती। तो ये नोट के तौर पे मैं लिख देता हूँ, मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स ऑफ एम्पलीट्यूड
आर सेम, सही, जैसे प्लस एट माइनस एट दोनों सेम हो। और ये बात भी लिख देता हूँ कि भाई कंप्रेशन इज क्रेस्ट एंड रेफ्रैक्शन इज ट्रफ। ठीक है जनाब, सर आपकी आवाज लैग कर रही है मेरे बच्चे। मैंने बस वही बात लिखी है, कुछ नया नहीं बताया कि कंप्रेशन आपका क्रेस्ट है और रेयर फ्रैक्शन आपका ट्रफ है। मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट की जो वैल्यूज होती है एम्पलीट्यूड में वो सेम होती है। अगर आपका वेव 8 मिलीमीटर ऊपर जाएगा तो वो 8 मिलीमीटर नीचे भी जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो ऊपर ज्यादा जा रहा है और नीचे कम जा रहा है, ये चीज पॉसिबल नहीं। डायग्राम में थोड़ा बहुत लग रहा होगा आपको तो ऐसा डिफरेंस है, लेकिन रियलिटी में ये चीज नहीं, इसलिए मैंने ये लिखवा दिया। हाइट और जो ड्रॉप है वैली है सेम मिलेगी। ठीक है भाई, कोई मसला इसमें यहाँ तक? आई होप नहीं होगा, अगर है तो पूछ सकते हो। ठीक है जनाब, तो फिर आज के लेसन यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह कल की क्लास के अंदर हम बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जनरल वेव प्रॉपर्टीज का जो पोर्शन है वो हमारा रिपल टैंक वगैरह वाला जो है वो वेंसडे तक मुकम्मल हो जाए, ताकि फिर अगले वीक पे हमारी जो क्लास जाए वो लाइट पे चली जाए, लाइट लेंसेज इस चीज़ के ऊपर चले जाए। सही जनाब, और कितना यहाँ पे? और स्लाइड तो ये रही, बिल्कुल मैं पीडीएफ भेज तो दूंगा, टेंशन क्या लेनी है। हाँ मैं पीडीएफ हर दफा भाई ड्राइव पे तमाम लेक्चर्स पीडीएफ अपलोड होता है, थोड़ी देर से हो जाता है खैर, लेकिन हो जाता है मतलब अभी क्लास खत्म हुई है तब लगाऊंगा मैं अपलोडिंग। ठीक है भाई, चलिए ख्याल रखिएगा आप लोग अपना, और अगर आपका कोई रिजल्ट आ रहा है कोई पेपर, अगर आपका रिजल्ट पे है बेस्ट लक फॉर योर रिजल्ट, अगर कोई पेपर है। अल्लाह हाफिज़।